तो गाइस वंदे भारत ट्रेन के दरवाजे तो अपने आप खुलते हैं, ये देखकर तो हम चौंक ही गए। और ये क्या, हमारी आंखों के सामने हमारी ट्रेन छूट गई। मजाक कर रहा हूँ गाइस, हम तो ट्रेन के अंदर ही थे। तो भाई लोग हमें वंदे भारत ट्रेन कुछ ऐसी दिखी। गाइस हम जैसे ही ट्रेन में गए और ट्रेन दिखाने के चक्कर में हमें अभी जेल के दर्शन हो जाते। वैसे ट्रेन में बैठते ही पानी और चाय नाश्ते के साथ हमारा स्वागत किया जाता है। और डिनर में सबको एक एक पनीर की सब्जी और दाल मिल रही थी, लेकिन आपके भाई को तो दो दो पनीर की सब्जी दी गई थी, लेकिन मैं भी ईमानदार हूँ ना, पनीर की सब्जी वापस देकर दाल ले ली। अरे हाँ भाई, कैसे हो? बढ़िया भाई, तुम कैसे हो? हाँ मैं भी बढ़िया हूँ। बहुत टाइम बाद कॉल किया यार तूने। हाँ यार थोड़ा बिजी था। हाँ वही, सब अपने काम में ही बिजी हैं। इतना टाइम हो गया सब साथ में नहीं मिले। हाँ वो 4 महीने पहले गए थे ना हमारी तरह, तभी मिले थे। और बताओ घर पे सब कैसे? बस बढ़िया, तुम बताओ क्या कर रहे हो? यहाँ पे भी सब ठीक ही है। हाँ वही एडिटिंग कर रहा था हरिद्वार का डाटा। और तुम क्या कर रहे हो? अच्छा जॉब में लग गए हो, अच्छा है अच्छा है। कोई तो है अपनी लाइन में आगे बढ़ने वाला। यूट्यूब पे तो तुम्हारे व्लॉग आते रहेंगे, लेकिन हमें तो बताओ हरिद्वार में क्या क्या हुआ। हाँ ठीक है चल सुन, मैं तो क्या ही बताऊँ उनके बारे में, वो तो साक्षात हरि के द्वार है, तभी तो उनको हरिद्वार कहा जाता है। हाँ तो चल अब शुरू से सुनाता हूँ तुमको वहाँ की बातें। तो आप भाई लोग, मैं आपका दोस्त आदित्य खापड़ी और आप देख रहे हैं के ट्रैवलर, और आज से हमारी जर्नी स्टार्ट होने वाली है बूस्ट हरिद्वार। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए गाइस हम तो निकले हरिद्वार के लिए, आपको रास्ता दिखा तो आप भी चले आइए पीछे पीछे। तो गाइस हम फाइनली रात के 2 बजे अबू रोड पर पहुंच चुके हैं। तो गाइस ये हमारी जर्नी का पहला ब्रेक था चाय नाश्ते के लिए, और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कैसे लोग दौड़म दौड़ी करें ट्रेन पकड़ने के लिए। और सुबह होते ही हमने बहुत ही खूबसूरत नजारे देखे, और जैसे हमने आँख खोली वैसे हम पहुंच चुके थे दिल्ली। गाइस हम दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पे आ चुके हैं, और ये देखने में बेहद ही खूबसूरत है, उसके कुछ सिनेमेटिक चेक की थी। तो गाइस आनंद विहार रेलवे स्टेशन के सिनेमेटिक आपने चेक कर लिए होंगे, और यहाँ से हम जाने वाले वंदे भारत ट्रेन में, तो देखने में बेहद ही खूबसूरत लग रही है। और हाँ जी, जैसी ये बाहर से खूबसूरत लगती है उतनी अंदर से खूबसूरत लगती है, और ये ट्रेन के दरवाजे अपने आप ओपन और क्लोज होते हैं। और ये सोचा ऐसा सोच रहे हम उनको बता रहे थे, मगर हम उनको नहीं आपको बता रहे थे। चलो छोड़ो हमको उनसे क्या, हम तो ट्रेन के अंदर चलते हैं। तो गाइस आपने स्टार्टिंग में देखा ही होगा कि हमने पुलिस वाला सूट डाला है, वो इसके लिए डाला है कि इस ट्रेन में सिक्योरिटी पर्पस के लिए शूट करना मना है, मगर हमने थोड़ा बहुत शूट किया था वो आपको दिखाया। और यहाँ से तकरीबन आप दिल्ली से निकलते हो तो तकरीबन 3-3.5 घंटे का रास्ता है दिल्ली टू हरिद्वार का, जो आप देख पा रहे होगे अभी स्क्रीन पे। और इस ट्रेन में स्क्रीन डाली गई है जिसमें आप ट्रेन की स्पीड और नेक्स्ट स्टेशन कौन सा आने वाला है वो आप देख पा रहे होंगे। अभी हम बैठ चुके हैं वंदे भारत ट्रेन में, और अभी जर्नी स्टार्ट ही हुई है, और आगे के जो जो होता है मैं आपको दिखाता रहूँगा, तो बने रहे। गाइस ट्रेन तो देखने में बहुत अच्छी थी, मगर इधर लगेज के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, और आप देख ही पा रहे होंगे कि हमारे बैग्स भी टेबल पर रखे हुए थे। मगर वंदे भारत ट्रेन की सर्विस तो अच्छी थी। इसी बीच हमारे स्नैक्स भी आ चुके थे, और स्नैक्स में क्या क्या मिला था मैं आपको एक एक करके आगे दिखाता हूँ। और इसके साथ आप देख ही पा रहे होंगे कि इधर से बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा था, वैसे तो हमारी स्पेशल वाली सीट थी। और यहाँ पे अभी सभी के स्नैक्स आ चुके थे, तो चलिए मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ कि हमें स्नैक्स में क्या क्या मिला था। तो गाइस स्नैक्स के साथ सबसे पहले मिलती है हमको पानी की बोतल जिसपे लिखा होता है रेली, उसके बाद एक मुरमुरे का पैकेट होता है, एक जूस का पैकेट होता है, और एक समोसा या फिर कचौरी मिलती है, उसी के साथ एक टिक्की और एक चाय का शीशी मिलता है, और वो खुद ही हमको गर्म पानी देते हैं, उसमें वो चाय का शीशी डाल के हम चाय बना सकते हैं अगर चाय का टेस्ट अच्छा नहीं था।
गाइस वंदे भारत ट्रेन में हमारा खाना आ चुका है और क्या क्या खाने में वो चले देखते हैं। तो गाइस खाने में सबसे पहले हमारे पास है चावल, उसके बाद ये ऊपर से अच्छी नहीं दिख रही वैसी हमारी मटर पनीर की सब्जी, और ये तो अच्छी दिख रही है मगर क्या है देखते चलो। और इसमें भी है दूसरी मटर पनीर की सब्जी, और एक ही बड़ी सी चॉकलेट, माफ करना गाइस ये चॉकलेट नहीं थी ये रोटी थी। और इसी के साथ 2 रुपये वाला अचार और 10 रुपये वाले दही की डिब्बी भी दी गई थी हमको। तो गाइस इंडियन रेलवे की लापरवाही के कारण हमारे पास 2 पनीर की सब्जी आ चुकी थी, मगर हम भी ईमानदार हैं इसलिए हमने 1 पनीर की सब्जी वापस करके हमारी दाल वापस ले ली। और दाल नाली होती तो ही अच्छा होता, दाल दिख रही एकदम दाल कम पानी जैसी। गाइस कुछ इस तरह हमारा खाना दिख रहा है तो चलिए खाते हैं। तो चलिए गाइस थोड़ा सा फूड रिव्यू दे देते हैं। मैं चावल को देना चाहूँगा 10 में से 8, सब्जी को 10 में से 6, और दाल को तो 10 में से 5, और रोटी को 10 में से 7, और अचार और दही मिला के टोटल उनको 5 देना चाहूँगा। और इन सब का एवरेज काटे तो तकरीबन 6, 6.5 के आसपास 10 में से आएंगे। तो आप समझ जाइए कि इंडियन रेलवे का खाना कैसा होगा। तो गाइस हमने फाइनली खाना कंप्लीट कर लिया है, और खाने के बाद यहाँ पे डिजर्ट के लिए वेनिला फ्लेवर की आइसक्रीम मिलती है। और पूरे खाने की सबसे अच्छी चीज थी हमारी आइसक्रीम, जिसको मैं देना चाहूंगा 10 में से 8। तो भाई लोग कुछ तो हरिद्वार ट्रिप के 2 दिन की जर्नी हमारी कुछ इस तरह रही, और ऐसे ही मजेदार व्लॉग देखने के लिए लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। जय भारत जय हिंद। और कल बहुत ही अच्छी अच्छी जगह पर हम जाने वाले हैं, हरिद्वार एक्सप्लोर करने वाले हैं, और ऐसे अच्छे अच्छे कंटेंट आते रहेंगे। इसमें आपको बहुत मजा आने वाला है।